भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का एक बहुत बड़ा ये बिंदु था, उसको मुख्य बिंदु भी हम कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, असंख्य कारसेवक, असंख्य ऐसे लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, और सबसे बड़ी भूमिका देश के माननीय उच्चतम न्यायालय की रही, जिसके कारण से ये संभव हुआ, इतने बड़े विवाद का पटाक्षेप हुआ और भगवान राम के मंदिर का आज शुभ निर्माण हुआ। टोहाना की भूमि से, टोहाना के वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, उस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भाग लिया, और मेरे परिवार से भी, हमारे परिवार में रिश्ते में भी वो मेरे भाई लगते थे, चौधरी रिसाल सिंह, जो किसान संघ के प्रदेश के पदाधिकारी भी रहे। वो जब ये 1992 का राम मंदिर का आंदोलन था, उस समय प्रत्यक्ष वहाँ जा कर के प्रमुख स्थान पर वो कार सेवा करके आए थे। तो वो दिन भी आज मुझे याद आता है कि किस प्रकार से वो पुलिस प्रशासन की नज़रों से छुपते हुए, और अन्य स्वयंसेवक जो कार सेवा में भाग लेने के लिए गए थे, उनके साथ यहाँ से गए, और जब वो वापस लौट करके आए तो उन्होंने भी वहाँ का पूरा वृतांत सुनाया, और अन्य जो कार सेवक हैं उन्होंने भी जब उस घटना का ब्यौरा सुनाया तो सुनकर के मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, और ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न होता है कि किस प्रकार उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अयोध्या जा कर के भगवान राम का एक भव्य दिव्य मंदिर बने, इसमें योगदान दिया। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के बटन को दबाना न भूलें।